आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुपर टेस्टी, सुपर डिलीशियस, इजी एंड यूनिक बीफ चीजी सिजरल की रेसिपी। देखने में जितनी टेम्पटिंग लग रही है, खाने में उतनी ही ज्यादा टेस्टी है। जो हजरात बीफ पसंद नहीं करते, देखने के बाद खाने पर मजबूर हो जाएंगे। बीफ चीजी सिजरल बनाएंगे सेम रेस्टोरेंट स्टाइल में। बनाना इतना आसान है कि आप हमारी ये वीडियो देखने के बाद आसानी से बीफ चीजी सिजरल को घर पर बनाएंगे, वो भी एकदम परफेक्ट सेम रेस्टोरेंट जैसा। Assalamualaikum, Welcome to Honey Kitchen. आप देख रहे हैं हनी किचन और मैं हूं आपके साथ आपका अपना शेफ, शेफ हनी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहले खाना के साथ अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में होंगे। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर किया करें। बीफ चीजी सिजरल बनाने के लिए लिया है बीफ 1.5 kg। हम बना रहे हैं 1.5 kg का। अगर आप 1 kg के साथ सिजरल बनाना चाहते हैं तो फिर 1 kg के इंग्रेडिएंट मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप 1 kg भी बना सकते हैं। 1.5 kg एक खुले बर्तन या बाउल में ऐड करें, अच्छे से वॉश करके ऐड करना है। जितना अच्छा वॉश करेंगे उतने ही अच्छा टेस्ट आएगा, क्योंकि इसमें से स्मेल ख़त्म हो जाएगी। बीफ को आपने इस तरह क्यूब में कट कर लेना है। अब ऐड करेंगे दही, 300 ग्राम। जब आप 1 kg का बना रहे हैं तो फिर आपने 200 ग्राम दही लेनी है। दही को अच्छे से बीट करके ऐड कीजिएगा। गोश्त का इंतखाब भी बहुत ज़रूरी है। अंडर कट के गोश्त में बनाइएगा। अंडर कट का गोश्त जल्दी से टेंडर हो जाने वाला गोश्त होता है। दही ऐड करने के बाद ऐड करेंगे लहसुन का पाउडर 1 tablespoon, अदरक का पाउडर 1 tablespoon, कुटी लाल मिर्च 1 tablespoon, मस्टर्ड पाउडर 2 tablespoon, काली मिर्च पाउडर 1 tablespoon, HP सॉस 2 tablespoon, हॉट सॉस 2 tablespoon, फ्रेश क्रीम 2 tablespoon, साल्ट 1 tablespoon, सिरका 2 tablespoon, आयल 3 tablespoon। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट को करेंगे अच्छे से मिक्स। मैरिनेशन का मकसद गोश्त में अंदर तक फ्लेवर लेके जाना है। अब रख देना है एटलीस्ट 30 मिनट के लिए रेस्ट पर। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो फिर ज़्यादा टाइम के लिए भी रख दें। जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। बीफ को मैरिनेट करके रखे हुए 1 घंटा हो चुका है। अगर आपके पास टाइम कम हो तो फिर आपने 30 मिनट के लिए लाजमी रखना है। अब फ्लेम को करते हैं ऑन और ऐड करते हैं ऑयल, ऑलिव ऑयल 50 ml। आप कोई भी अच्छे ब्रांड का कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। अगर ऑलिव ऑयल में बनाना चाहते हैं ये तो सबसे बेस्ट है। जैसे ही ऑयल गर्म हो तो आपने ऐड कर देना है मैरिनेटेड बीफ। कर देना है लिड के साथ कवर और स्टार्ट में 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कुक होने देना है, ताकि अंदर प्रॉपर स्टीम बने। और फिर उसके बाद कर देंगे मीडियम लो फ्लेम, और मीडियम लो फ्लेम पर 30 मिनट के लिए कुक होने देना है। आप अगर अंडरकट के अलावा कोई और गोश्त का पीस ले रहे हैं तो फिर आपने 40 मिनट से 60 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पर कुक करना है। फिर उस सूरत में आपका गोश्त गलेगा। आप चाहें तो कुकर में भी बना सकते हैं। कुकर में फिर आपने 2 सीटी देनी है, 2 से 3 सीटी देंगे तो उसमें ही गोश्त गल जाएगा। अगर अंडरकट का गोश्त है तो फिर 1 सीटी ही बहुत है। अब कर देते हैं फ्लेम को मीडियम और मीडियम फ्लेम पर 30 मिनट के लिए कुक होने देते हैं। बीफ को मीडियम फ्लेम पर कुक होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब दूसरे स्टोव पे रखते हैं और इस स्टोव पे तैयार करते हैं सॉस। एक फ्राई पैन लें, फ्राई पैन में तैयार करेंगे सिजरल सॉस। सिजरल सॉस तैयार करने के लिए लिए हैं 2 tablespoon बटर। बटर इस टाइम पर मेल्ट हो चुका है। अब ऐड करेंगे 2 tablespoon फाइन फ्लोर मैदा। भुनाई आपने प्रॉपर करनी है, फिर 2 मिनट लगेंगे। मैदे को जलाना नहीं है। जब आप इस तरह स्पैचुला चलाते रहेंगे तो मैदा जलेगा नहीं बल्कि प्रॉपर भुनेगा। भुनाई हो चुकी है। अब ऐड करेंगे मिल्क, थोड़ा सा मिल्क ऐड करना है। स्टार्ट में थोड़ा सा मिल्क ऐड करके तरह भुनना, फिर थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करते रहें। अगर आपने एकदम मिल्क सारा अप्लाई कर दिया तो फिर लम्स बन जाएंगे। अब मज़ीद थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दें। अब इस टाइम पर सारा मिल्क ऐड कर दें, टोटल मिल्क 500 ml। व्यूअर्स देखिएगा, इस टाइम पर एक भी लम्स नहीं है।
5 मिनट लगेंगे सॉस को ठीक होने में। चलें जी 5 मिनट के लिए इसी तरह मीडियम फ्लेम पर कुक होने देते हैं। सॉस तैयार हो रही है, इतने हम कर लेते हैं ग्रेटर चीज को। मोज़रेला चीज ऐड करेंगे, 200 ग्राम चीज को भी कर लिया है ग्रेटर। सॉस को कुक होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। देखिए व्यूअर्स, ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब सॉस में ऐड करेंगे काली मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून, साल्ट 1/2 टीस्पून, ओरिगैनो लीव 1/4 टीस्पून, मस्टर्ड पाउडर 1 टेबलस्पून। मस्टर्ड पाउडर ऐड करें या फिर मस्टर्ड पेस्ट। इन तमाम इंग्रेडिएंट को डालने के बाद करना है अच्छे से मिक्स और लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए कुक होने दें। 2 मिनट हो चुके हैं, अब ऐड करेंगे चीज। चीज को ग्रेटर करके ऐड करना है। वेरी लो फ्लेम पर 3 मिनट के लिए कुक होने देते हैं। 3 मिनट हो चुके हैं। देखिएगा व्यूअर्स, इस टाइम पर सिजरल सॉस तैयार है। ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। देखिए किस तरह लच्छे बनते जा रहे हैं। जब आप मोज़रेला चीज लेंगे तो फिर इसी तरह लच्छेदार आपकी सॉस तैयार होगी। बीफ को कुक होते हुए 25 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट के लिए मजीद कुक होने देते हैं। इतने हम आपको सिजरल की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। सिजरल की असलियत शायद जापान के टेपानकी की सीजरल डिशेज से मिलती है। टेपानकी 1950 में दूसरी जंग अजीम के बाद जापान से अमेरिका चला गया था और 1950 में सीजरल फूड मकबूल होना शुरू हुआ। सीजरल फूड को असल पहचान और पॉपुलैरिटी उस वक्त मिली जब 1958 में क्लेवर सिटी कैलिफोर्निया में डेल एंड हेलन जॉनसन ने सीजरल फैमिली स्टेक हाउस की बुनियाद रखी। सीजरल नाम गर्म प्लेट पर सीजल आवाज से आया है। ये फूड इतना ज्यादा पसंद किया जाता है, आज भी आप किसी भी बड़े रेस्टोरेंट पर चले जाएं, आपको कुछ मिले या ना मिले सीजरल फूड लाजमी मिलेगा। और इस वक्त अमेरिका में मोर देन 270 ब्रांचेस सीजरल के नाम से ही मशहूर हैं। बीफ को मीडियम लो फ्लेम पर कुक होते हुए 30 मिनट हो चुके हैं। हटाते हैं कवर और देखते हैं क्या सूरत हाल है। वाओ, क्या जबरदस्त अरोमा आ रहा है। फिर देखिएगा 30 मिनट में क्या जबरदस्त बीफ तैयार हुआ है। बीफ तैयार है, फ्लेम को करते हैं ऑफ। 3 मिनट पहले सिजरल सॉस तैयार थी और हमने फिर ऊपर से कर दिया था कवर और फ्लेम को कर दिया था वेरी लो। देखिए इस टाइम पर सॉस भी तैयार है, बीफ भी तैयार है और प्लेटर को कर लिया है गरम। अब शिफ्ट करेंगे प्लेटर पर। प्लेटर में लगाना है हल्का सा बटर और इसमें रख देंगे ऑनियन। ऑनियन रखने के बाद ऐड करना है बीफ। अब ऊपर से ऐड कर देनी है सीजरल सॉस। फाइनली बीफ चीजी सीजरल तैयार है। अब आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसा बना है। बहुत ही मजेदार बना है, लेकिन थोड़ा हैवी है। ध्यान से खाइएगा और डिनर में तो एहतियात से खाना है। इसका जो सबसे बेस्ट खाने का जो टाइम है वो है लंच। लंच में आप खाएं क्योंकि हैवी है, इसमें चीज डली है, क्रीम है और बीफ, तीनों चीजें ही बहुत हैवी है। अपनी डाइट का भी थोड़ा ख्याल रखना है, पता चले रात को खा के सो जाए और फिर सुबह उठा ही ना जाए, फिर ना कहिएगा कि था तो बहुत टेस्टी लेकिन खाने के बाद तबीयत खराब होगी है। इसीलिए खाने के बाद आपने वॉक भी जरूर करनी है और वैसे भी डेली रूटीन में भी आप वॉक जरूर किया करें, अपनी डाइट को बैलेंस रखा करें। जान है तो जहान है। आप चाहते हैं हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आप तक बरवक्त पहुंचे तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना और अपने खाने का ख्याल रखिएगा।